बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करता हूँ जी शुरू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और आप ये मेरे पीछे देख सकते होंगे, हम लोग इस टाइम मोटरसाइकिल में हम लोग जा रहे हैं गुंडे पिंडे। तो लास्ट फ्राइडे को हम गए थे शहर पर नहाने, तो आज दोबारा हमारा प्रोग्राम बना है कि हम जो है ना शहर पर जाएं और वहाँ पर इंजॉयमेंट करें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मौसम सही है, जो हवा है गर्म वो सीधा मुंह पे लग रही है, तो बहुत बहुत परेशानी हो रही है। और मैं आपको हमारे कज़न है, मैं उनसे बता रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत कितनी है इस वक्त। भागलपुर में कम से कम टेम्परेचर 48 से कम है, इसलिए बच्चा प्रोग्राम बनाया है कि हम थोड़ा आउटिंग के लिए नहर में चलें। पिछली बार हम गए थे तो अकेले थे, तो बच्चा ने कहा हमें जाना है, इसलिए आगे में चलें, इस जगह आपको ले चलते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा बहुत ब्लॉग देखे। तो आज मैंने मास्क इसलिए पहना हुआ है कि कल मैं कटिंग कराने गया था और जो बाल काटते हैं उसने मेरी मुझे काट दी, तो इस वजह से जो है ना मैंने मास्क पहना हुआ है। तो वो भी जो है ना टोल हुआ हुआ था, उससे मैंने बोला कि भाई मेरी दाढ़ी पे टेप वगैरह करनी है, मशीन फिरवाई थी मैंने ना, तो उन्होंने भाई साहब ने जो है ना मेरी जो है ना मशीन फेर दी, फिर कह रहे थे कि ये सही है। मैंने कहा उस्ताद जी आपने मशीन फेर दी, अब कह रहे हो सही है, तो फिर मैंने बोला इसको जो साफ ही कर दो। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने पंचर वगैरह भी साफ करा दी। और ये आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये जो आपको बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी है, आवाजपुर में इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है सिटी स्कूल है। कौन सा? बाबू का मशीन, बहुत अमीर तरह स्कूल है, सिटी स्कूल, दी सिटी स्कूल, दी सिटी स्कूल। अच्छा, ये जो स्कूल गुजर के गया था बिल्डिंग जो आपको नजर आई थी, दी सिटी स्कूल। और बाकी फ्रेंड, आप लोग जितने भी मेरे ब्लॉग वगैरह हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से। और ये बार बार मेरा मास्क जो है नीचे उतर रहा है, तो इसको बार बार सही करना पड़ रहा है। और ये मैं आपको कुछ मना दे दिखाता हूँ अपने भावनपुर के, बहुत प्यारे मना दे। और ये बच्चे बैठे आगे नजर आ रहा हो तो आपको, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि एयरपोर्ट आपको ज़रूर दिखाऊं जो हमारे बाबतपुर में। और ये मैं आपको कुछ पीछे का व्यू दिखाता हूँ। और फाइनली हम लोग बाबतपुर और एयरपोर्ट नहर पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते होंगे नहर, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये सिमाई नहर बोलते हैं इसको हम लोग, और इसके बराबर में छोटी नहर है, ये भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ इसका।
ये अगर आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, हाँ जी ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी छोटी नहर, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे मैं नहाने, तो मैं इसी जगह पे आया था, जाने दो आगे जाने दो, लास्ट टाइम जो आया था इसी नहर पे आया था और इसी नहर पे वीडियो वगैरह अपलोड की थी, बनाई थी सॉरी। तो इस साइड पे जो है एयरपोर्ट है, और कोशिश करूँगा अगर आपको कुछ व्यूज़ वगैरह हुए तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बस यहीं पे करें एंड, या आगे आपको और व्यूज़ वगैरह दिखाऊँ। यार बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है, और लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा नहा रहे हैं, तो ये देख सकते होंगे आप, तो लेडीज़ वगैरह भी हैं, तो उनकी तस्वीर कोशिश करें कि वीडियो में नहीं आए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कोई और लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो बस यहीं पे करता हूँ अब आज का अपना व्लॉग का इख्तिताम, तो उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर दिखाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।